एकदम चाट रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। महुए के पत्ते, महुए का पत्ता है ना, महुए के पत्ते का धोनी बनता है और इसमें ही चाट सर्व किया जाता है। क्यों नहीं आजा, उधर कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा रेडी हो गए थे और पीहू पीछे से, पीहू नहीं परी हाय कर रही है पीछे से। मैं तो रेडी हो गई हूँ, ये देखो अभी हो गया है शाम का टाइम और यहाँ देखो हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, दो दो बिटिया रानी, तीन तीन बिटिया रानी। तू बिटिया रानी नहीं है, तू बदमाश है, बहुत शैतानी करती है। ये मिल्क दे रही पीने के लिए और थोड़ा अभी मेरा इयररिंग्स कैसा है जरूर बताइएगा आप लोग। ये तो अच्छा लग रहा है और अभी हस्बैंड जी आने वाले हैं और यहाँ बहुत ही रिलैक्स लगता है सीढ़ी पे बैठ के। और अभी बनाएगी तन्नु थोड़ी देर में चाय, ये अभी आएंगे हस्बैंड। और आज पूरे दिन आज मैंने रेस्ट किया, रात को लेट नाइट सोई थी तो दिन में ऐसा कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही मुझे तन्नु ऐसे भी मैं कुछ करती भी नहीं हूँ यहाँ पे, बस खाना ही है। और किट्टू ना, किट्टू के बिना थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, किट्टू चला गया है अपने मासी माँ के घर, बड़ी मासी माँ के, अब वो मुझे याद भी नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे मेरे बिना रह ले रहा है। वो बोलता मम्मी मैं यहाँ खेल रहा हूँ और दीदी मेरी देखो अच्छा है, चक्क 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 है तू, चक्का चक्क हो गई, रेडी होके आ गई। और उधर देखो आज हम सब चकाचक लग रहे हैं, देखो हम सब चकाचक लग रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी बताइए। लगा रही थी आते आते लेके, ये जो चुड़की वाली है ना, ये जो मेरी दीदी की छोटी बेटी, बहुत ज़्यादा शैतान है। हम शॉर्ट वीडियो ले रहे थे, रील्स बना रहे थे तो हमारा इयररिंग्स वगैरह देख रहे हैं, हम सब इसलिए तैयार हुए हैं, वरना इतने बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं पहनते घर पे। तो हमारे वीडियो में बार बार ये घुस जा रही थी, हम लोग मना कर रहे फिर भी घुस जा रही थी। और ये हमारी रानी बिटिया, ये भी घुस जा रही थी, पीहू रानी जो अभी होल लिस्ट पी रही है। और तन्नू का 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है ना। आप लोग भगवान से कहिएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा निकले, परसेंटेज अच्छे हो। और किसे रेडी होकर बैठे हैं हम लोग, अब चलते हैं निकालने। मैंने सोचा वीडियो ले लूँ थोड़ा, अब जा रही हूँ उसको निकाल के अपना डेली वाला पहन लेती हूँ। देखो इसको, चुड़की को देखो कैसे की लाइट। तो अभी क्या होगा तनु कुछ देर में? अभी बस गर्मा गर्म भजिया, भजिया बनेगा, सब भजिया की हलवा, हलवा भजिया दोनों, हलवा भजिया बना था ना सुबह, हलवा बनेगा और रात में हलवा बनाएंगे, रात में हल जाएंगे। देखिए पीहू ने पूरा होल लिस्ट फिनिश कर लिया, हलवा में हल जाएंगे। मेरी बहन का जो बनाई है उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ सकती है। बोलो बोलो। हाँ हाँ फ्रेंड्स, देखिए पीहू रानी जो बहुत ही पीहू अहमदाबाद में रहती है, यूपी में आ गई है और हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई वही हुई। आज हम लोग बहने कहाँ कहाँ हो गए, ये यहाँ मैं वहाँ, जिंदगी है कहाँ। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। तो वीडियो में बने रहना, अभी थोड़ा मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। ओके ओके बाय, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने रूप में। देखिए फ्रेंड्स मेरे मौसारी चाट लेके आए हैं गर्मा गर्म, और ये देखिए इतना गर्म है कि मेरी मौसी इसको संभाल ही नहीं पा रही हैं, उनका हाथ जल गया। ये देखिए कितना लजीज लग रहा है देखने में गर्मा गर्म, इसके ऊपर से प्याज मिर्च
बहुत डिलीशियस लगता है। हमारे यहाँ यूपी में चाट बहुत फेमस है। एक बार जो खा लेना वो बार बार खाएगा। इसीलिए तो देखिए मौसी जी कितना खुश हैं, क्योंकि उनका फेवरेट चाट है। मैं सर्व करूं लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो देखिए इनके मुंह में पानी आ रहा है, पर पानी को मैं कंट्रोल कर रही है। हाँ, सर्व करके मैं सबको रुकी हुई। गुजरात में चाट नहीं मिलता है। ये देखिए ये परी, ये पीहू, इन लोग को लगता है बहुत ज़्यादा चाट पसंद है। दोनों ऐसे खड़ी हैं, लाइन में लगी हैं, कब किसको क्या मिलेगा। बस लो, गरम गरम चाट रेडी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। महुए के पत्ते में, महुए का पत्ता है ना, महुए के पत्ते का धोनी बनता है और इसमें ही चाट सर्व किया जाता है खाने के लिए। तो आप लोग भी खाएंगे। हाँ, जो लोग यूपी वाले खाए होंगे जानते ही होंगे, पर जो नहीं यूपी वाले जो नहीं उन्हें नहीं पता होगा, बता दें। ये नहीं खाएंगे, खा के आए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ खा रही है और यहाँ पे चलते हैं हम लोग, खाते हैं। टक टक टक, चल करो बिरी बनाओ, चल करो, चलो अब हम खा रहे हैं। सॉरी, आप लोगों को नहीं पूछा। आ जाइए आप लोग भी खाने लाइए, मुझे भी दीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स। चाय ओ, देखो कि पीऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो कि पीऊँ, चाय देख लीजिए, चाय पी लीजिए। तुझे कोई ठंडी हो नहीं भाई, अब बनाया है तो पी लेती हूँ। चलो थैंक यू, वेलकम। चाय चाय चाय। था तो हम लोग चले गए थे टेरिस पे, छत पे घूमने के लिए। और इवनिंग के टाइम अक्सर हम लोग छत पर ही जाते हैं और चाय भी हम वहीं पीते हैं। बट आज तो चलो नीचे चाय पी लिया था, चाय नाश्ता हो गया था हमारा ना, हमारा चाट भी खा लिए थे और चाय भी, और मम्मी को भी ले आए थे ऊपर कि चलिए मम्मी ऊपर घूम लीजिए, ऊपर आए नहीं हो। तो बस वही हमारा मस्ती मजाक चल रहा था, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, मज़ा भी आया। और पीहू को दौड़ दौड़ करती है, और आगे की साइड से हमारा टेरिस पे वो दीवार नहीं है तो बच्चों का गिरने का भी डर होता है, और हमारी और दीदी की भी मस्ती तो खूब चलती है। तो बस ये बच्चों का थोड़ा केयर करना पड़ता है। और हस्बैंड जी का मूड देखो कैसे एकदम से सैड है, क्योंकि वो कल जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा उदास होकर बैठे हैं। वो जाहिर नहीं होने देते, बट उनके चेहरे से दिख जाता है कि उनको ज़रूर कुछ हुआ है। तो ये हमारा नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। हमारे घर के आगे ये यहाँ पे ये मैरिज हॉल है, यहाँ पे मैरिज वगैरह एंगेजमेंट होता है। और ये देखो अंकित आ रहा था खेल के साइकिल चला के, वो भी हाई करने लगा, और उसके पीछे दो साइकिल वाले थे वो भी हाई करने लगा। इधर दिखाए ना, देखो देखो ऑफिस जाके। चलो बैठ, हाँ दिखाई ना कैसा क्या आता है। एकदम है, नीम का पेड़ है।
सैड है, सैड मतलब हैप्पी, ओके, स्माइल स्माइल। और ये मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी जी। हेलो करो मम्मी, हेलो बोलो मम्मी, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हर बजे हमार उतारा करता। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करे, इतना काम कुछ ना। अच्छा कह दे, खुश रहा, खुश रहा। मम्मी पति हम देखा जाए, आ देख ये। मेरी सासू माँ के सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने ठंडा तेल से उनकी सिर की मालिश कर दी, और फिर मैंने उनके कंघी भी कर दिया, और थोड़ा उन्हें आराम भी मिल गया था। बाद में थोड़ा हरासमेंट हो गया था, गर्मी का सीज़न है तो ऐसा तो होता ही रहता है। और तो चलो ठीक है, पर गर्मी इतनी है ना कि बच्चों को, बड़ों को, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। और पीहू की, परी की तो मस्ती ही चलते रहती है। दीदी उन दोनों को डांट रही थी, इधर उधर भागती है ना, तो पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही दौड़ना पड़ता है। और अंकित भी नहीं था, अंकित गया था नीचे साइकिल चलाने, नहीं तो वो पकड़ते रहता, वो थोड़ा ध्यान भी देता है। और ऐसे क्या, हमें भी दौड़ना पड़ता। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में।